हरिओम, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मलाई कोफ्ता बनाने जा रही हूँ, उसकी रेसिपी बताती हूँ। ये देखिए, ऐसे मैं सब्जी बनाऊँगी, बहुत बढ़िया बनता है, खाने में अच्छा लगता है। अगर मेरा चैनल को अच्छा लगे मेरा सब्जी, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। आज मैं मलाई कोफ्ता बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर, 100 ग्राम खोआ और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया। इसमें मैं थोड़ा सा गोल की दरदरा भून ली हूँ, कर ली हूँ। फिर धनिया 1 चम्मच जाएगा, लाल मिर्च, क्रीम और काजू और इसका खरबूजा का, काजू और खरबूजा का वही पेस्ट है, और चीनी थोड़ा सा, आधी चम्मच। और ये फोरन में जाएगा दालचीनी, लौंग और गोलकी और छोटी वाली इलायची, हरी मिर्च। अब मैं इसको मसल कर मैं ही करूँगी, और दोनों को मिलाकर, और कम फ्लावर भी डालूँगी इसमें, और थोड़ा गोलकी और थोड़ा नमक, इसको थोड़ा नमक, थोड़ा सा गोलकी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पड़ेगा। और इसे मसल के मैं प्लेन करूँगी। इसको खूब प्लेन कर लेना है और गोला बनाना है। ये देखिए, ऐसे ऐसे मसल के कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको मसलना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छी बनती है। और खूब बढ़िया इसको गोला बनाकर इसे मसलते रहिए, इसे मसल कर अच्छे से। ये देखिए, अब मैंने मसल दिया। अब इसमें मैंने स्टॉपिंग करूँगी। ये देखिए, काजू मैंने छोटा छोटा काट लिए हूँ, और थोड़ा सा किशमिश। अब ऐसे मैंने अपने अंदाज से गोला बनाइए, जितना जिसको साइज की ज़रूरत है। देखिए, ये छोटा छोटा गोला बनाकर, ये देखिए, ये आराम से ऐसे ऐसे करके इसको गड्ढा बनाइए, और आराम से थोड़ा सा काजू, 2-3 किशमिश डालकर इसको ऐसे गोल करके भर लीजिए। मैंने 6 पीस उसका बना, बड़ा बड़ा मैंने बनाया, ऐसे सारी मैंने बना लूँगी। ये देखिए गोला, देखिए, ये देखिए कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। अब मेरा गोला भी सब रेडी है। अब इसको मैं देख लेती हूँ, एक डालकर मीडियम ताप में बनाना है। इसको हल्का हल्का, इसको टच नहीं करना है, नहीं तो टच करिएगा ना तो टूटने का डर होता है। ये देखिए, मैंने पलटी कर दिया, और ये धीरे धीरे, इसको लाल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का इसको खिए। ये मेरा ये तैयार हो गया, ज़्यादा लाल नहीं कीजिएगा, नहीं तो मैंने वाइट वाला क्रीम डालकर बनाऊंगी। ये देखिए, अब दूसरा भी डाल देती हूँ, ये मीडियम ताप में दम सिम करके बनाना है, कि कच्चा भी ना रहे और बढ़िया से तल भी जाए। ये देखिए, इसमें जीरा चटकने के लिए मैंने डाल दिया। ये सारी मैंने अच्छी, मतलब कि छान के निकाल लिया इसको, थोड़ा जीरा चटक जाता है, तो ये खड़ा मसाला मैं दे दिया। दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और गोलकी है, ये खड़ा मसाला में जाएगा। अब इसमें मैं 1 हरी मिर्च डाल देती हूँ, 1 काजू और खरबूजा का, जो खरबूजा का मैंने थोड़ा सा भून लिया। अब मैं क्रीम डाल दूंगी, इसमें 1/2 चम्मच धनिया, लाल मिर्च, स्वाद अनुसार अपना खाने के अंदाज से दीजिए, चीनी 1/2 चम्मच, और इसको ढक के
इसको भूनना है। और अदरक का अगर पीस के भी डाल सकते हो और कस के भी डाल सकते हो, मैंने पीस के डाला है। और थोड़ी सी गुलकी, एक चुटकी नमक मैं बाद में दूंगी, हल्दी नहीं देना है क्योंकि वाइट ये ग्रेवी वाइट बनता है, इसीलिए मैं इसमें हल्दी नहीं देना है। अब ढक के मैं इसको अच्छे से मसाला को भूनूंगी। मसाला मैं बीच बीच में ऐसे करके देख रही हूँ, ये देखिए मसाला अब ऊपर ऊपर से तेल अब आने लगा, लेकिन ये जब घी और तेल आने लगता है ना ऊपर बहुत करता है, तो इसके लिए धीरे से इसको झाँक के धीरे धीरे भूने। काहे कि काजू का तेल जो छूट जाता है इसके चलते बहुत छिटकता है, तो इसलिए बंद करके ही इसको धीरे धीरे चलाएं। ये देखिए एकदम ऊपर से तेल आ गया, काजू का सारा तेल छोड़ दिया है। अब मेरा ग्रेवी तैयार हो गया है। अब इसमें नमक स्वाद अनुसार डालें, मैं आधी चम्मच नमक डाल रही हूँ क्योंकि पहले भी नमक मैंने डाल चुकी हूँ उसमें मसाला में, इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डालने का। देखिए कितना सुंदर प्यारा सा आया है। अब इसमें हम पानी डालते हैं, आपको जैसा ग्रेवी खाने का है वैसा बनाइए, गाढ़ा या पतला। मेरा ज़्यादा नहीं है, 6 पीस का है, तो मैं थोड़े ही बना रही हूँ। और ये 2 से 3 मिनट खोल जाएगा। बढ़िया से खोलने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। ये देखिए मेरी ग्रेवी अच्छी से खोल गई है, उबाल आ रही है बढ़िया। इसको और हम 1-2 मिनट और पकाएंगे। अब थोड़ा सा गरम मसाला इसमें मैं दे देती हूँ। ये देखिए इसको खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, या पार्टी में या कोई त्यौहार हो तो बनाइए तो अच्छा लगता है खाने में, या कभी बढ़िया खाने का इच्छा हो तब बनाइए। ये 2-3 मिनट मैंने इसको और चढ़ा देती हूँ, गैस पर रहेगा। ये मेरा तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कोफ्ता। इस कोफ्ता को 2 मिनट तक मैंने इसमें छोड़ देती हूँ, और धनिया का पत्ता ऊपर से डाल देती हूँ। ये 2-3 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए बढ़िया तैयार हो गया है। अब सिम करके छोड़ दिया मैंने, तैयार हो गया है। अब बंद कर देती हूँ गैस को। ये देखिए कितना प्यारा सा बन गया है। आपका जैसा ग्रेवी, गाढ़ा करने का तो गाढ़ा, पतला करने का तो पतला, जैसे भी आप बनाओ आपका जैसा